कर जाऊंगा फन जाऊंगा मर जाऊंगा हट जाओ। वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। अरे भाई ये सुसाट क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाट कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो अरे भाई बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय, गुड बाय। अरे भाई ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं? रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या मालूम क्या हुआ, वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो, देखा देखा तुमने? हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। यूँ की मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा। जो अरे संभालो, यार ना दोस्त, इसलिए मैं चांदते कर रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है। कैसी मुसीबतें आएंगी? अकाल, सूखा, चक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी, इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की पीसिंग। अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दूंगी ना नाथ जी। अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे कर रहूंगा। एक दो तीन, मौसी मौसी हाँ कह दो ना। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी। अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। हाँ कह दो मौसी। हाँ जीरो, ठहर जा, मैं तैयार हूँ। मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ। मौसी से कौन शादी करेगा सालो, मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है। बसंती से? वीरू मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ। अरे गांव वालों सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी, मौसी जी मैं नीचे उतरूंगा। अब मैं क्या करूं चाचा? अच्छा अब्बा जा रहे हो मियाँ? जाओ अल्लाह के सपुर्द, पहुंचते याद से खत लिख देना खैरियत का। जी अब्बा। मियाँ तुम खाने पीने के मामले में बड़े लापरवाह हो, जरा सेहत का ख्याल रखना। भाई खुदा बख्शे, हमारे वालिद कहा करते थे कि जान का सदका माल और इज्जत का सदका जान। चल थोड़ी दूर साथ चलता हूँ, सैर भी हो जाएगी। नहीं अब्बा आप आराम कीजिए, यहीं से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आओ भाई जरा।
चल बे जंगा, चिड़ी की रानी है। चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। सरदार, ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया। बसंते, ओ बसंते, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इमाम साहब। कौन? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ? हाँ, आप आइए मेरे साथ, आइए। क्या हुआ, क्या हुआ था बेटा? ये कहाँ लिए जा? हाँ? अहमद, इमाम साहब, मैं अब क्या तसल्ली देते हो ठाकुर, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हाँ सुन लो, और तुम भी सुन लो गांव के लोगों, गब्बर की ये चिट्ठी रामगढ़ के वासियों देख लो, ठाकुर की बातों में आकर गब्बर से टकराने का अंजाम। अगर अब भी तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो रामगढ़ के हर आंगन में मौत नाचेगी। इसलिए अगर बाल बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलते ही ठाकुर के दोनों आदमियों को पुरानी टेकरी पर हमारे हवाले कर दो। डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह। अरे इतने बड़े संकट में हमें डाल दिया ठाकुर, ये क्या किया तुमने? दीनानाथ, इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा। ठाकुर, हम डाकुओं को अपने जीने का मोल अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। हम किसान हैं, सिपाही नहीं। हाँ शंकर, हम किसान हैं। ये देश तो युग युग से किसानों का देश है, लेकिन जब जब किसी जालिम ने हमला किया है, गंगा कसम हम किसानों ने अपनी दरातियां पिघलाकर तलवारें बनाई हैं। हमारी रगों में कायरों का खून नहीं है, कायरों का खून नहीं है हमारी रगों में। लेकिन बेटा, इस खून खराबे से क्या होगा? भला अहिंसा भी तो एक चीज है,
अहिंसा को मैं भी मानता हूं चाचा, लेकिन एक दुष्ट पापी के सामने सर झुकाना अहिंसा नहीं, कायरता है, बुजदिली है। जो झुकते नहीं और टूट जाते हैं ठाकुर। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम, मगर जब तक जीऊंगा सर उठा के जीऊंगा। अरे कब तक जियोगे तुम और कब तक जिएंगे हम अगर ये दोनों इस गांव में रहे। अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमें गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच सकती है तो कर दो हमें गब्बर के हवाले, हम तैयार हैं। आप तो वही होगा जो होना चाहिए, हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई, जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहें। आगे आपकी मर्जी। मेरी नमाज का वक्त हो गया, आज पूछूंगा खुदा से मुझे दो चार बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए। कोई मुझे मस्जिद तक। चलो